हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बाबा भूरिया पर। तो भाई आज चला हूँ मैं छप्परचिड़ी। आज के वीडियो में साहिल ने कमेंट किया था कि छप्परचिड़ी जाके आओ, जो कि यहाँ से है 16-17 किलोमीटर दूर, आधा घंटा लगेगा। बस दिक्कत एक ही है कि डेलाइट का ही इशू रहेगा, 6:10 हो चुके हैं ऑलरेडी। इशू वही है कि पहुंच नहीं पाऊंगा टाइम पे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने पिक्चर्स देखे उसके गूगल पे, बट काफ़ी सुंदर लगा मुझे, बट कब पहुंच पाता हूं, कैसे पहुंच पाता हूं ये पता नहीं है अभी। अगर 10 मिनट की भी डेलाइट मिल जाती है ना मुझे आज, तो मैं डेफिनेटली अच्छे से शूट कर पाऊंगा उसको। लाइट यहाँ की भी ख़राब पड़ी हुई है, तो पुलिस वाले भाई साहब बेचारे लगे हुए हैं ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में। सबसे बिजी इंटरसेक्शन है ये एयरपोर्ट रोड का, और ये घर काफ़ी महंगे हैं गाइस, 1 करोड़ से ऊपर ही इनका प्राइस है। जाके तो आऊँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे वो जगह बड़ी अच्छी लगी है। एयरपोर्ट रोड का सबसे डेंजरस रोड ही है, इसमें 2-3 कर्व बड़े तीखे वाले हैं। और जिन लोगों को कटिंग में दिक्कत आती है, उनके गलतियां करने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है उस रोड के ऊपर। ये जो अगली लाइट है, यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है। जगह का नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, छप्पर एंड चिड़ी, छप्पर चिड़ी। अरे भाई, मोटर मोटर हुआ पड़ा है। तो बड़ी ही प्यारी और खाली रोड है। ओह, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ जाना है मुझे। ओह, क्लोजेस सून, और 7 बजे बंद हो जाता है ये, तो जाने का फ़ायदा नहीं और अंधेरा हो चुका है, तो मैं यहीं से यू टर्न मार लेता हूँ भाइयों। तो किस दिन संडे को निकलूँगा, ताकि मेरे पास इनफ डेलाइट होनी चाहिए, इनफ टाइम होना चाहिए, ताकि खुद भी उसको अच्छे से देख सकूँ और आपको भी अच्छे से दिखा सकूँ मैं। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, हमारे वाले एरिया में बारिश ज़्यादा नहीं हुई। हुई क्या? हुई ही नहीं, सिर्फ आंगन गीला हुआ एंड दैट्स इट। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली घर में मैंने देखा नहीं कि उसका क्लोजिंग टाइम क्या है, बट जब मैंने यहाँ पे गूगल मैप्स चेक करना चाह, तो उस पर लिखा था क्लोजेस 7 o'clock। बाकी यार जितना भी आसपास की जगहें होती हैं घूमने वाली, विजिट करने वाली, विद इन 1/2 hour और 1 hour, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे घूमने से रिलेटेड हो, या बाइक राइडिंग के लिए हो। देखा है उसको, कटिंग करने वाले लोगों के लिए दिक्कत है यहाँ पे। मैक्सिमम लोगों को लेन में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पार्टिकुलरली इस सेक्शन के ऊपर। ये देखो भाइयों, करोड़ों के घर, जिसको भी लेना हो ले सकते हो। राइडिंग के लिए बड़ा ही अच्छा मौसम बन चुका है। यहाँ पे रोड सूखा है, पीछे पानी से भरे हुए रोड थे पूरे, यहाँ बारिश हुई नहीं है। भाइयों खींच तो गया मेरा, तो इससे बढ़िया मैं आगे राइड मार के आ ही जाता हूँ, 1.5 घंटा और ट्रेन। ओवर ब्रिज के ऊपर ट्रेन है गाइस। तो भाइयों आज का वीडियो सिर्फ राइड का रह गया है, कुछ भी ऐसा एंटरटेनिंग नहीं है। तो गाइस मुझे माफ़ करना, मैं फिर से उसी रोड पे लेके चल रहा हूँ आपको, जिस पे कि मैं 2 या 3 दिन पहले जा चुका था डीकैथलॉन के लिए, क्योंकि जिस जगह पे जाने का सोचा था वहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो सोचा बाहर निकला हूँ तो मैं राइड का ही कर लेता हूँ, बाकी और को प्लान था नहीं सच मेरा कुछ भी। बाबू भैया कहीं भी नहीं मानते। ये देखो, एक ने किया, दूसरे ने देखा, तीसरा फिर से चलेगा। इस टाइम पर राइड करने का मज़ा बड़ा आता है, धूप नहीं पड़ती है, गर्मी नहीं होती है, और आजकल तो वैसे भी मौसम इस टाइम पे ठंडा हो गया है, और आज जो बारिश गिरी है उससे तो और ज़्यादा ठंडक हो गई है,
और इस रोड पे तो यार कभी भी राइड कर सकते हो, और रात को राइड करने अलग ही मजा है। अब मुझे मारना है यू टर्न यहाँ से और निकलना है वापस घर की तरफ। तो गाइस कमेंट सेक्शन पे सजेस्ट करो अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए यहाँ पर, और अच्छे अच्छे प्लेसेस और अच्छे अच्छे फूड काउंटर्स, ताकि उनके वीडियोस में आप तक ला सकूँ जब जब भी टाइम मिलेगा। इस संडे का मेरा प्लान छतबीर जू जाने का है, तो इस बार तो पॉसिबल नहीं है कि मैं छप्परचिड़ी जा पाऊँगा, बट उसके नेक्स्ट संडे आई कैन ट्राई। एक मार्केट यहाँ भी है, क्यों ना इसको ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट यहाँ पे है, स्ट्रीट फूड का यहाँ भी कोई सीन नहीं है, रेस्टोरेंट अच्छे अच्छे हैं यहाँ भी। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई नो कि इसमें कुछ खास था नहीं, जस्ट राइड ही थी, बट कोई ना, कभी कभार ऐसे वीडियो देखना भी अच्छे लगते हैं। तो चलो मिलता हूँ कल के वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, और हेलमेट जो हमेशा पहन के रखो जब भी राइड पे निकलते हो। और मिलता हूँ आपको मैं अपने कल के ब्लॉग में, चलो बाय।